कुछ मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ले रहा हूँ जो कि पास्ता से रिलेटेड आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहला है फेरेनिशेस। फेरेनिशेस अगर मैं बोलूँ तो एक प्रकार के ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम होते हैं जो कि हमारे फ्रेंच कुजीन के अंदर आते हैं। यहाँ पे पास्ता भी हमारे जो फेरेनिशेस कोर्स है उसके अंदर ही आता है क्योंकि पास्ता भी हमारा स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा एक टर्म आती है जिसको कि हम लोग अल दांते बोलते हैं। अल दांते का मतलब होता है स्टिक टू द टूथ, मतलब कि अगर आप पास्ता भी बॉईल करें तो आपको पास्ता फुल डन नहीं कर देना, क्योंकि इवन अगर आप पास्ता को बॉईल करने के बाद उसे फैलाएंगे नहीं, उसे ठंडा नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही कुक होता जाएगा, या आप उसे पानी में भी छोड़ देंगे तो वो अपने आप कुक हो जाएगा। तो अल दांते का मतलब होता है कि आपने पास्ता के अंदर की एक छोटी सी सबसे लास्ट आप एक बिंदी छोड़ सकते हैं जो कि अनकुक्ड हो, क्योंकि धीरे धीरे करके वो अपने आप ही कुक होने वाली है। एक टर्म और होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रोलिंग बॉईल। जब हम लोग सब्जियां बॉईल करते हैं, हम सब्जियों को मिक्स करते हैं, पर जब हम लोग पास्ता बॉईल करते हैं तो हम पास्ता को रोल करते हैं। रोल करने का मतलब कि आप उसको गोल गोल सर्कुलर मोशंस में घुमा रहे हैं ताकि पास्ता आपस में चिपक नहीं रहा है, तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रोलिंग बॉईल।